चूंकि बॉल बैडमिंटन फेडरेशन ऑफ इंडिया के ज्वाइंट सेक्रेटरी श्री गौरी शंकर जी आए हुए हैं, और आपने तो बैडमिंटन का नाम सुना होगा, आखिर बॉल बैडमिंटन क्या होता है, तो उसके बारे में भी सर बताएंगे। चूंकि ये खेल जो है ये साउथ का जो है काफ़ी जो है पब्लिसिटी है उस जगह पे, और हम लोग कई सालों से इस गेम को प्रमोट हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, और आने वाले समय में हम लोग जो है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो है टूर्नामेंट भी कराने की हम लोगों की योजना है। तो सबसे पहले मैं परिचय में दिला देना चाहता हूँ कि ये बॉल बैडमिंटन के हमारे खिलाड़ी है, नाम बताओ। पूजा दोरजे ये है खिलाड़ी है, और आपका नाम प्रियंका, प्रियंका, और हमारा नाम फैजल है। चूंकि आप लोग जान पहले भी हम लोग मुलाकात, चूंकि मैं एनसीपी में भी हूँ, लेकिन खैर वो अपनी जगह पे है। आज स्पोर्ट्स को लेकर के मैं जो हम लोगों ने आपको आमंत्रित किया है, और हमारा जो डिमांड है यहाँ के प्रशासन से और मुख्यमंत्री से कि खेल कोटे के तहत जो है जो खिलाड़ी मेडल लाते हैं, जो अपने इलाके का पहाड़ का हो या अपने नाम जो है वो रोशन करते हैं खेल के क्षेत्र में, तो मेडल लाते हैं, तो हमें लगता है कि ममता बनर्जी जी जो है ऐसे खिलाड़ियों को काफ़ी प्रमोट कर भी रही हैं, टेबल टेनिस खिलाड़ी को भी काफ़ी जगह जो है जॉब मिला है, तो बॉल बैडमिंटन खिलाड़ी को भी जो है जॉब मिले, इसको लेकर के हमने जो है आज सोचा कि एक प्रेस वार्ता बुलाया जाए, और बाकी जो है गौरी शंकर जी हैं ये विस्तृत रूप से बताएंगे आपको। भारतीय बॉल बैडमिंटन महासंघ दार्जिलिंग और जो पूर्वी क्षेत्र का राज्य है उसमें बॉल बैडमिंटन खेल को लोकप्रिय बनाने के लिए बहुत सी योजना बनाई है। जिस प्रकार मैदानी क्षेत्रों में या देश के अन्य सभी राज्यों में बॉल बैडमिंटन खेल का विकास हुआ है, उसी तरह से भारतीय बॉल बैडमिंटन महासंघ की योजना है कि ये पहाड़ी क्षेत्र दार्जिलिंग और अन्य जो पूर्वोत्तर राज्य है जो पहाड़ों से घिरा हुआ है, पर्वतीय क्षेत्रों से घिरा हुआ है, उन क्षेत्रों में बॉल बैडमिंटन खेल को लोकप्रिय कैसे बनाया जाए, जिसके लिए BBFI कार्य कर रही है। उसी के तहत हमने दार्जिलिंग जिला बॉल बैडमिंटन संघ के अनुरोध पर यहाँ 2 दिनों का कार्यक्रम रखा, और कल हम लोग सोनादा स्थित मैदान का निरीक्षण किया, और निरीक्षण के क्रम में पाया कि यह मैदान बॉल बैडमिंटन खेल के लिए उपयुक्त है, जगह भी उपयुक्त है, और जैसा कि फैजल जी बॉल बैडमिंटन खेल के विकास के लिए यहाँ लगे रहते हैं, हम इनको धन्यवाद देते हैं कि आप इस खेल को लोकप्रिय बनाने के लिए आप लगे हुए हैं, और 5 से 7 अक्टूबर तक यहाँ त्रिकोणीय अंतर राज्य बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बिहार, असम और मेजबान बिहार, ये पश्चिम बंगाल की पुरुष एवं महिला टीमें भाग लेगी। उसी से यहाँ के खिलाड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिलेगा और अपने खेल का प्रदर्शन करेंगे, और जब वहाँ टूर्नामेंट होंगे तो वहाँ भी लोकप्रियता बढ़ेगी, वहाँ के भी जो इंटरेस्टेड प्लेयर हैं वो बॉल बैडमिंटन खेल के प्रति रुझान उनका होगा, और आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल के अन्य क्षेत्रों में या दार्जिलिंग के जो पहाड़ी इलाका है या सिलीगुड़ी का जो मैदानी इलाका है उन क्षेत्रों में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा स्कूल और कॉलेजों में, जहां से पोटेंशियल मिलता है, और हम लोग उन प्रशिक्षण शिविर के लिए आधारभूत संरचना जो होता है वो उपलब्ध कराएंगे, खेल सामग्री उपलब्ध कराएंगे,
और प्रशिक्षक भी उपलब्ध कराएंगे जो उन खिलाड़ियों को तराशने और संवारने का काम करेगा, कला कौशलों की जानकारी देगा, तकनीक का जानकारी देगा। किसी भी खेल के लिए तकनीक और कला कौशल की अति आवश्यकता होती है, उन तकनीक को जानकारी देने के लिए हम लोग प्रशिक्षक भी उपलब्ध कराएंगे। और सब बातों को तो फैजल जी रख दिए हैं, आप लोगों की तरफ से कोई बात हो तो पूछा जा सकता है। या बॉल बैडमिंटन नाम से ही जो है आपको पता चल रहा होगा कि बैडमिंटन का ही एक रूप है। जैसे बैडमिंटन कॉर्क से खेला जाता है, उसी तरह से ये बॉल बैडमिंटन बॉल से खेला जाता है। तो इसका जो बॉल होता है वह येलो कलर का होता है और 22 से 25 ग्राम उसका वेट होता है, और उलेन बॉल होता है, एक साथ 5 खिलाड़ी भी खेलते हैं, फाइव साइड्स उसको बोला जाता है, और 2 खिलाड़ी भी खेल सकते हैं, उसको डबल्स बोला जाता है। डबल्स में 2 प्रकार होता है, एक जो मेंस का डबल्स होगा या वुमेंस का डबल्स होगा, और एक होगा आपको मिक्स डबल्स जिसमें एक लड़के और एक लड़कियां खेलेंगी, लड़की खेलेगी। यहाँ जो है अभी 20-25 खिलाड़ी है, और भी कॉलेज और स्कूल में जब प्रशिक्षण शिविर आयोजित होंगे तो उसमें से और भी पोटेंशियल आएंगे, खिलाड़ी उभर करके सामने में आएंगे। और इन राज्यों में पश्चिम बंगाल में और भी जगह के खिलाड़ी हैं, उन लोगों को मिला करके हमको लगता है कि लगभग 500 खिलाड़ी होना चाहिए। उसी के लिए तो हम यहाँ आए हैं कि हमारा जो बॉल बैडमिंटन खेल है वह इस क्षेत्र में प्रचलित हो, लोकप्रिय हो। किस तरह से लोकप्रिय हो, तो हम स्कूल में कॉलेज में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करेंगे, उन खिलाड़ियों को सारी सुविधाओं से लैस करेंगे, तब जा कर के वो खिलाड़ी हमारे पास में वो होगा, और तब जो है वो राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभागिता करेंगे। हाँ, या स्कूल ऑल इंडिया स्कूल गेम्स जो होता है उसमें बॉल बैडमिंटन होता है, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो होता है उसमें बॉल बैडमिंटन होता है। क्या हाँ, मैं अब इन लोगों की जवाबदेही है यहाँ शुरुआत करने की और उसको लोकप्रिय बनाने की। अच्छा, अच्छा, जिला संघ, मैं विस्तृत रूप से मैं बताता हूँ सर। हाँ, 2015 में इस गेम का हमने यहाँ जो उद्घाटन किया था, पहाड़ से हमने शुरुआत किया था, और सिलेक्शन कॉलेज है सुनादा, गोराबारी में जानते होंगे सिलेक्शन कॉलेज है, और भी कई प्राइवेट स्कूल्स हैं, तो वहाँ हमारे खिलाड़ी अभी हैं जो काफ़ी जो है इस गेम में डेवलपमेंट खुद को किया है। लेकिन जिस तरह आंदोलन हुआ पहाड़ पे, तो उस टाइम जो है ऑर्गेनाइजिंग हम लोग का जो है बंद होकर काफ़ी प्रॉब्लम हुआ, और अभी 1.5 साल से जो है हम लोग कोरोना को लेकर के जो हम लोग परेशान हैं, तो जिस तरह डेवलपिंग हम लोग को करना चाहिए था उस तरह से नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी अभी जो पहाड़ पे है कम से कम 100-150 की संख्या में हमारे खिलाड़ी हैं। दीपा बरेली है, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि डॉक्टर फौजिया खान मेम्बर ऑफ राज्यसभा, वो NCP से आती हैं, बॉम्बे से वो राज्यसभा की MP है, उन्होंने जो है CM को जो है लेटर लिखा है, जो खिलाड़ी इतने सालों में मेडल लेकर के आए हैं उनको खेल कोटे के तहत जो है वो कॉपी हमने लगा दी है आपको, तो उन्होंने डिमांड किया है CM से, कहा है कि भाई इन बच्चे को नामित उन्होंने किया है, नॉमिनेट किया है कि इनको VIP जो खेल कोटे से है इनको जॉब मिलना चाहिए, GT स्तर से हो या पुलिस विभाग में हो। और दूसरी बात ये कि जिस तरह हम लोग इस गेम को डेवलप करने में लगे हुए हैं, तो GTA का सहयोग हम लोग को मिल रहा था अच्छे ढंग से, फंड वगैरह भी जो है बच्चे को ड्रेस वगैरह या फूडिंग का, लॉजिंग या ऑर्गेनाइजिंग को लेके काफ़ी जो, और सबसे बड़ी बात है कि इस गेम को GTA स्पोर्ट्स ने जो है अप्लीकेशन दे रखा है। अगर आप GTA का स्पोर्ट्स कोई कैलेंडर आप देखोगे तो उसमें हमारा बॉल बैडमिंटन है।
दूसरी बात कि नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी में भी हमने जो है 4-5 दिनों का कैंप लगाया था ये कोरोना से पहले। तो हम ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी लेवल, स्कूल लेवल और हर जगह जहाँ भी हम लोग को हो रहा है तो हम लोग जो है खिलाड़ियों को जो है हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। और अभी आने वाले समय में जैसा गौरीशंकर जी ने बताया कि अक्टूबर में हम लोग जो है त्रिकोणीय श्रृंखला जो है हम लोग खेलेंगे। और एक चीज़ है कि सिलीगुड़ी में भी इस गेम को प्रमोट करना पड़ेगा। और गोपाल ओझा जो दैनिक जागरण के एडिटर हैं उनको जो है इस गेम का प्रेसिडेंट बनाया गया है। वो दार्जिलिंग के भी प्रेसिडेंट हैं और स्टेट के भी वो वर्किंग प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। तो उनके नेतृत्व में हम लोग जो है एक दिशा निर्देश तय करके और हम लोग जो है अपकमिंग में हम लोग ऑर्गेनाइज हम लोग करेंगे। और ये दो खिलाड़ी हैं और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ के जो प्रशासक हैं, प्रशासन है या मुख्यमंत्री महोदया से हमारा अनुरोध है कि ऐसे टैलेंटेड खिलाड़ियों को आप इनकी योग्यता को देखते हुए, इनकी प्रतिभा को देखते हुए कम से कम खेल कोटे के तहत जिस तरह आप टेबल टेनिस के बच्चों को प्रमोट आप करते हैं, काफ़ी सीएम और गौतम दा हैं, गौतम देव साहब हैं, तो हम चाहते हैं कि इस गेम को भी वो लोग प्रमोट करें और बच्चे को अच्छी जगह पे जो है कम से कम जो है खेल कोटे के तहत उनकी नियुक्ति होनी चाहिए। मेरा नाम फैजल हुआ और मैं इस गेम का सेक्रेटरी हूँ डिस्ट्रिक्ट का। ये ज्वाइंट सेक्रेटरी बॉल बैडमिंटन फेडरेशन ऑफ इंडिया। हाँ, बिल्कुल हाँ। वही तो मेंबर ऑफ राज्यसभा में ने जो है वो सीएम को रिकमेंड किया है। नाम है दीपा बरेली है, मार्शल विश्वकर्मा है, मार्टिन शंकर है, सुनीता छेत्री है और अब अपकमिंग जो प्लेयर है हमारे ये दो प्लेयर हैं और अपने सिलीगुड़ी से हैं। तो हम चाहते हैं कि कम से कम जो है आज दो ही नहीं, कम से कम जो है आने वाले समय में इतने खिलाड़ी, चूंकि कोई भी खेल खराब नहीं होता है, खेलने से मेडल लेने से लोग एक तो समाज भी उत्साहित होता है, माँ बाप का नाम रोशन होता है, इलाके का रोशन होता है। तो हम लोग चाहते हैं कि इस गेम को प्रमोट अब हम लोग जो है सिलीगुड़ी में फोकस करेंगे और जब हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे टूर्नामेंट तो आप लोगों को फिर इनवाइट करेंगे, पता चल जाएगा कि ये गेम कैसा होता है। और जिस तरह बैडमिंटन हम लोग खेलते हैं ना सेम है, अब उसमें हाँ कॉर्क का और बॉल का फर्क है बस, और कुछ नहीं है, बाकी सारा कुछ है। गौरीशंकर ज्वाइंट सेक्रेटरी बॉल बैडमिंटन फेडरेशन ऑफ इंडिया। हाँ पूरा नाम है, पूरा नाम सर नेम नहीं, गौरीशंकर। सिलीगुड़ी से हाँ तो शहीद नगर में हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है, भानुनगर में ग्राउंड है। नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी में भी हम लोगों ने जो स्पोर्ट्स इंचार्ज है उनसे बातचीत हुई तो वहाँ भी हम लोग लाइनअप कर चुके हैं। तो आपको जल्द ही जो है ये गेम जो है प्रमोट होते हुए सिलीगुड़ी सिटी में भी दिखेगा आपको और फिर आप लोग जो है देखेंगे किस तरह का ये गेम किया जाता है। और बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहूँगा अपने गौरीशंकर जी, चूँकि बहुत दूर से आए हैं और आज ये निकल भी जाएंगे तो इनको जो है जिला संघ की ओर से इनको हम लोग जो है सम्मानित भी हम लोग इनको अभी करने जा रहे हैं। थोड़ा हिंदी बोलेंगे आप प्लीज़। जो खेलने जाएगा वहाँ पे, तो खर्च कैसा होगा? वो जीटीए दे रहा है और जो गवर्नमेंट है वो पेमेंट दे रही है, वो फंड दे रही है, उसमें स्पॉन्सर वगैरह है, उसमें फंडिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है हम लोग को। हम लोग अच्छे से बस इस गेम को प्रमोट करना है सिलीगुड़ी में, अभी तक जो है ये गेम को प्रमोट ठीक ढंग से नहीं मिल पाया और अब हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। बिल्कुल नहीं नहीं, अरे तुम भी पहनो। अरे ठीक है, हम पहनते रहे, हम टोपी टोपी हम लाओ ना पहनाते हैं मेरे तरफ से। थैंक यू सर।